बात कही हजरत ने, मैं अर्ज कर देता हूँ। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग के बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि घर में कोई काम कराना था, काम होते हैं ना छोटे मोटे घर में, तो फरमाते हैं मैं मजदूर लेने गया बगदाद में। चौकों पे मजदूर सारी उम्र का मजदूर ही है ना बेचारा, अमीर तो अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। हमारे तो पीर भी लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, खुद अमीर होते जाते हैं, खुद रोज बरोज अमीर हो रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं फकीर हो जाओ। तुम भी तो थोड़ा फकर इख्तियार करो ना भाई, जो दर्ज दे रहे हो इल्ला माशाल्लाह, सब की बात नहीं करता। फरमाते हैं कि मैं ना मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था, माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है।